इस वीडियो में हम बात करेंगे अगर आपके फ़ोन पर भी जो इनकमिंग कॉल आते हैं वो नहीं आ रहे, या फिर आपको जब कोई कॉल करता है तो वो आपके पास ही नहीं आ रही, लेकिन आपसे वो बंदा तो बोलता है मैंने आपको कॉल की थी, तो ये सब क्यों होता है? उस कॉल तो कर रहा है लेकिन आपके पास उसकी कॉल क्यों नहीं आ रही? चलिए आज के इस वीडियो में कुछ नया सीखते हैं। वीडियो अच्छी लगती है आप लोगों को तो वीडियो को लाइक और चैनल के लिए सब्सक्राइब आप ज़रूर कर दीजिए। दोस्तों होता क्या है, कभी कभी हमारे दोस्त, हमारे फ्रेंड्स, रिलेटिव हमें कॉल करते हैं लेकिन उनकी कॉल हमारे पास नहीं आती। हमारा सिम वगैरह चालू होता है लेकिन कॉल नहीं आती, तो क्यों होता है ऐसा, चलिए जानते हैं। सबसे पहला जो इसमें प्रॉब्लम आती है हमारी, वो होता है हमारा जो सिम कार्ड है उसमें रिचार्ज ना होना। रिचार्ज ना होना मतलब आज की डेट में जो नए रूल्स आए हैं उसके हिसाब से आपके पास जो है वो बहुत सारा जो रिचार्ज है वो होना चाहिए। मिनिमम 35 से लेकर जो आपके सिम के ऑफर से उसका रिचार्ज आपके पास होना चाहिए, यानी कि आपके पास वैलिडिटी वाला होना चाहिए, वैलिडिटी होनी चाहिए आपके पास इनकमिंग कॉल के लिए। ये पहला तरीका हो गया। जो दूसरा होता है प्रॉब्लम आता है हमें, दूसरा जो प्रॉब्लम आ सकता है, कभी कभी हमारा सिम कार्ड फ्रीज हो जाता है, मतलब कभी कभी हमारे सिम कार्ड पर जो एक्टिवेशन होता है सेवाओं का वो कभी कभी बंद होता है। वो होता क्यों है, इसके लिए आपको कंपनी को कॉल करना है। आपका जो भी एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन या फिर जियो वाला सिम है, आपको अपने कस्टमर केयर को कॉल करना है और आपको उनसे को बताना है मेरी इनकमिंग कॉल नहीं आ रही है, एंड उनको बताना भी ये भी है कि हमारा जो सिम कार्ड फ्रीज वगैरह तो नहीं हुआ है। तो आपको चेक करके बताएंगे आपके जो प्रॉब्लम है आपके सिम कार्ड के ऊपर, क्यों आपको कॉल नहीं आ रही। तो ये मेथड आप ज़रूर ट्राई करिए, आप कस्टमर केयर को कॉल करिए और उनको बताइए मुझे कॉल नहीं आ रही है, इसका कोई सोल्यूशन बताओ। एंड जो तीसरा और मेन मेथड है वो है आपका मोबाइल फ़ोन। आपके मोबाइल फ़ोन में कभी कभी ऐसी सेटिंग हो जाती है जिससे आपकी जो कॉल है वो आना बंद हो जाती है, फॉरवर्ड हो जाती है, कभी कभी कॉल जो आती है वो रिजेक्ट में पड़ जाती है। ये हम नहीं करते लेकिन कभी कभी आपका जो डिवाइस है उसमें कभी कभी ये चीज़ें भी हो सकती है। तो आपको एक बार अपने फ़ोन को रिसेट कर लेना है, रिस्टार्ट कर लेना है और उसके बाद आपको ये प्रॉब्लम भी फिक्स हो जाएगी। आई होप गाइस ये सारी चीज़ें करने के बाद आपकी प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी। अगर नहीं होती है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपके लिए और भी कोई सोल्यूशन ढूंढूंगा।